फर्स्ट थॉट ऑफ द डे एंड द फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे आपका पूरा दिन शेप करते हैं टू चूज वेरी वाइजली हैव एन अमेजिंग डे

जिनके मेल्स एंड मैसेजेस को मैं रिवर्ट नहीं कर पा रही हूँ प्लीज डो नॉट बी डिसहार्टेंड आई विल श्योरली चेक ईच एंड एवरी मेल एंड मैसेज बट इट माइट टेक सम टाइम मेरा फिलहाल जो क्राइटेरिया है आप लोगों के मेल्स एंड मैसेजेस को चेक करके और यहाँ पे एग्जिबिट uh, करने का इज सिंपली जिनकी पिक्चर्स थोड़ी सी क्लीन है मैं उनको यहाँ पे एग्जिबिट कर रही हूँ सो लेट्स चेक आउट डे टू के अमेजिंग से रिजल्ट ओवर हियर अगर आप लोगों ने इस सीरीज की पहली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड से गो एंड चेक आउट डे वन एंड डे टू क्योंकि डे थ्री का मैक्सिमम यूजेज आप तब कर पाएंगे जब आप डे वन एंड डे टू दोनों को अच्छे से फॉलो कर लेंगे डे वन पे हमने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया डे टू पे हमने टोन कर लिया आज है डे थ्री वॉट नेक्स्ट हमारे पोर्स क्लीन हो चुके हैं हमारी स्किन एब्सिल्यूटली यू नो इट इज रेडी टू एब्जॉर्ब क्या एब्जॉर्ब करें समथिंग वेरी न्यूट्रिटिव समथिंग दैट टेल्स स्किन वॉट इज इट्स एक्चुअल नेचर आज हम अपनी स्किन को एक ऐसा डोज देने वाले हैं कि आपकी ब्लेमिशेस कम हो सकते हैं आपके पिगमेंटेशन चली जाएगी आपकी स्किन का जो टेक्सचर है जो क्वालिटी है वो अपग्रेड हो जाएगा अगर आपको किसी भी तरह का सनबर्न हो रखा है दिस इज द रेमेडी अगर आप अपने स्किन टोन को लाइट करना चाहते हैं दिस इज द रेमेडी अगर आप अपनी स्किन में एक नेचुरल ग्लो चाहते हैं डे थ्री इज द रेमेडी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग बहुत ही वाइब्रेंट बहुत ही अमेजिंग दिखे डे थ्री इज द रेमिडी आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे आसपास कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान है या नहीं है वो अपना नेचर वो अपना कैरेक्टरिस्टिक हम तक पहुंचाएंगे फॉर एग्जाम्पल आग आपको आग के बारे में पता है या नहीं पता है आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जलेगा तो ये आग की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसका नेचर है कि अगर आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप जल जाएंगे ऐसी ही एक एनर्जी हमारे पास हमारे किचन में मौजूद है जी हां टर्मरिक एंटी इंफ्लमेटरी एंटीबायोटिक आप जानवर को चोट लगे इंसान को चोट लगे किसी को भी किसी भी तरह का मर्ज हो हल्दी इज द सोल्यूशन हल्दी आपके स्किन के टेक्सचर को चाहे वो कितना ही गड़बड़ा रखा हो उसे फिक्स कर सकती है आपकी स्किन ऑयली है ड्राई है कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है जिस भी तरह की है हल्दी इज द ओनली ब्यूटिफुल सोल्यूशन जो आपकी स्किन को याद दिला सकता है कि उसको कैसे रहना है एट टाइम्स हम एक स्प्री पर निकल जाते हैं हमारी स्किन को एक बार पिम्पल्स होने स्टार्ट होते हैं तो पिम्पल्स ब्रेकआउट्स देन ब्लिमिशेस देन पिगमेंटेशन देन डार्क स्पॉट्स एंड वॉट नॉट सब कुछ होने लगता है एक बार अपनी स्किन को थॉटफुली हल्दी का डोज दीजिए और फिर देखिए हल्दी आपके स्किन पर मौजूद किसी भी तरह की परेशानी को फिक्स करने के लिए सक्षम है मैंने आपको कहा हल्दी इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी उस एनर्जी को अपनी स्किन को देने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। बट बिलीव मी जैसे ही आपकी स्किन को ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल एनर्जी मिल जाएगी आपकी स्किन जो ग्लो करेगी ना डे थ्री इज ऑल अबाउट टर्मरिक से मेरा तात्पर्य ये है कि आज आप अपनी स्किन को हल्दी के बहुत छोटे छोटे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डोजेस देंगे ताकि आपकी स्किन और टर्मरिक में जो इंटरेक्शन होगा उसमें आपकी स्किन को यह समझना होगा कि उसका नेचुरल स्टेट क्या है ऑब्वियसली एक बार का एप्लीकेशन से हम मैजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट येस yes, आज थॉटफुली हम अपनी स्किन को यह बताएंगे दैट टर्मरिक इज समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग ये गोल्डन सीरम जो हम आज अपनी स्किन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बिलीव मी यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस सीरम लाइक एनी थिंग आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर बहुत से लोग इस चीज को अब लाइफ टाइम करने वाले हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग ग्लो ऑन योर स्किन मैंने इस वक्त कुछ भी नहीं लगाया हुआ है अपार्ट फ्रॉम लिपस्टिक ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आई टोल्ड यू मैं मेकअप बिल्कुल यूज नहीं करूंगी थ्रू आउट दीरीज एंड आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट ना करें एंड बिलीव मी आपको अपनी स्किन से बहुत ही प्यार होने वाला है अगर आप डिसिप्लिन वे में जैसा मैं बता रही हूँ वैसा फॉलो करें तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है ये तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूं आप लोगों को हमेशा सिर्फ डे थ्री के लिए नहीं हमेशा अपने दिन की शुरुआत गुनगुना पानी आधा नींबू एक चम्मच शहद प्रेफरेबली ऑर्गेनिक मैं जो हनी यूज कर रही हूं उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं अदरवाइज आप जो भी हनी इस्तेमाल करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डे थ्री के लिए स्पेशल ये होगा कि आज हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हल्दी जी हाँ हल्दी ऑर्गेनिक हो तो नथिंग लाइक इट नहीं तो आप गीली हल्दी मार्केट से लेकर आइए उसे कूटी और अपने पानी में डाल दीजिए अगर वो भी नहीं है तो घर पर मौजूद जो खाने वाली हल्दी है आप एक चुटकी वही हल्दी ले लीजिए हाउ एवर आई डू नॉट रिलाई घर वाली हल्दी पे जो हम खाने में डालते हैं बिकॉज वो पाउडर्ड फॉर्म में आती है कोशिश कीजिए कि आप गीली हल्दी का ही इस्तेमाल करें तो अपने दिन के पहले ड्रिंक में आपने थोड़ी सी हल्दी डाल के अपनी बॉडी को ये इंटिमेट कर दिया कि आज उसको अच्छे से डिटॉक्सीफाई करेंगे आज हल्दी डोमिनेंट होने वाली है सो द बॉडी इंटरनली ऑल्सो स्टार्ट एक्टिंग ऑन टर्मरिक हल्दी पे काम करने लगती है और आपकी बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली हल्दी के लिए रेडी हो जाती है रेमेडी क्या करनी है वेरी सिंपल आप लोगों को एक बोल में एक या दो चम्मच एलोवेरा लेना है डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पोर्शन में लगा रहे हैं और उसमें आपको ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है कस्तूरी हल्दी है तो नथिंग लाइक इट गीली हल्दी है तो भी बढ़िया अगर ये दोनों नहीं हैं, तो आप घर वाली हल्दी डाल लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप हल्दी डाल देंगे उसके बाद आपको इसको एक अच्छा सा स्टर देना है अच्छे से मिक्स करना है एंड बिलीव मी जब ये मिक्स आप कर रहे होंगे ना आपको तभी दिख जाएगा दैट क्या मैजिक आपने बना दिया है आपकी स्किन इस पर्टिकुलर चीज के लिए जिस तरीके से बिहेव करेगी Let's see, आप खुद देखिए मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ ये जो beautiful, creamy सा गोल्डन कलर का मिक्सचर बना है believe me, आपकी skin इतनी खुश होने वाली है ना आपने जो ब्यूटिफुल सा गोल्डन सा जेल रेडी किया है अगर आपके पास फेस पैक वाला ब्रश है तो नथिंग लाइक इट आप उसको लीजिए और यूनिफॉर्मली पूरी स्किन पे पूरी आईब्रोज पे पूरे आंखों के ऊपर नीचे एवरीवेयर जी हां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप पूरे फेस पे लगाएंगे प्रॉपरली अपनी पूरी की पूरी जॉ लाइन आप पूरा का पूरा नेक पूरा प्रॉपरली कवर करेंगे वन सिंगल कोट फर्स्ट कोट जल्दी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा मे बी अबाउट फाइव और टेन मिनट्स वो स्किन में आपको दिखेगा कि एब्जॉर्ब हो रहा है हल्का सा येलोइश टेक्स्चर आपके स्किन पे रह जाएगा टाइम आप सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पर पूरे चेहरे पर जी हां आईब्राउज से लेके आपके आईलिथ से लेके अंडर योर आईज एवरीवेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई अ वेरी थिक कोट ऑन योर फेस एंड नेक आफ्टर द सेकेंड कोट आपको हल्का सा गर्म महसूस होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हल्दी की तासीर गर्म होती है और जब आप इसको लगाएंगे तो आपको हल्का सा यू you नो know, गर्म सेंसेशन फील होगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट इट बी इट इज वर्किंग ऑन योर स्किन आपकी स्किन उस चीज को यू you नो know, वो वर्कआउट हो रही है ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर ऑन योर स्किन इट्स बींग वर्क अपॉन सेकेंड कोट लगाने के बाद आपको टेंटेटिवली हाफ एन आवर तो लगेगा ही इससे थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है बट लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन एलोवेरा एंड हल्दी आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब होने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स नॉट अ मास्क कि जिसको लगाने के बाद आप बोल नहीं पाएंगे हाँ करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है इट्स वेरी सिंपल आप लगा के यू कैन गो अराउंड डूइंग योर वर्क एब्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम जब मुझे लगा इट इज लॉक कंप्लीटली एब्जॉर्ब मैंने एक बहुत ही सॉफ्ट फेस स्टाइल से इस पूरे के पूरे जो जेल एंड टर्मरिक था इसको अच्छे से वॉश कर लिया यू नो पूछ लिया मैंने डायरेक्ट पानी स्प्लैश नहीं किया मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया ताकि जो एब्जॉर्ब टर्मरिक है इट स्टेज़ और उसके बाद जेंटली आप पूरे आपने क्योंकि आंखों के ऊपर लगाया है आईब्रोज के अंदर लगाया है अंडर आइज लगाया है तो आप अच्छे से क्लीन करेंगे थ्रू आउट एंड एवरीवेयर एंड क्लीन करने के बाद मेरे ख्याल से एक या दो बार ही आपको टैप ऑन करना होगा और आपका फेस कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा एंड दैट्स ऑल जिन लोगों ने कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया होगा उनके चेहरे पर सिर्फ ग्लो रह जाएगा और कुछ भी नहीं लेकिन अगर आपने कच्चे हल्दी का इस्तेमाल किया है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी स्किन स्टेन uh, हो सकती है येलो दिख सकती है तो आई वुड से अगर आपको ऑफिस जाना है तो बहुत कम इस्तेमाल कीजिए अगर ऑफिस नहीं जाना है तो अच्छे से भर के डालिए अपने एलोवेरा में और लगा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दिन के लिए वो येलो टेंट हम बर्दाश्त कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बाद हमें कोई फेस वॉश नहीं करना है आप सिंपल वाटर से स्प्लैश कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम बट डू नॉट यूज़ फेस वॉश थ्रू आउट द डे जी हाँ आज हमारी स्किन को सिर्फ हल्दी का इंटरेक्शन मिलेगा और कुछ नहीं दैट्स ऑल बस हमें यही करना है जी नहीं शाम के वक्त हमें एक स्टेप और करना है प्रेफरेबली सोते टाइम लेकिन कुछ लोग दे आर नॉट कम्फर्टेबल स्लीपिंग विथ समथिंग ऑन दे फेस तो आप सोने से एक दो घंटे पहले कर लीजिए लेट इट बी ऑन योर फेस एंड देन सोते वक्त आप वाइप ऑफ करके सो जाइए सिंपल वॉट नीड्स टू बी डन अब जो शाम का स्टेप है उसके लिए आपको अपने स्किन टाइप को कंसिडर करना पड़ेगा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको लेना है दो ड्रॉप हनी दो ड्रॉप लेमन जूस एंड थोड़ी सी हल्दी जी हां बिल्कुल क्रीम की कंसिस्टेंसी हमें बनानी है किसी बोल में मत बनाइए क्योंकि बहुत ज्यादा बन जाएगा आप अपने हाथ पे लीजिए अच्छे से मिक्स कीजिए क्रीम बन गया अप्लाई इट एवरीवेयर ऑन योर फेस एंड एवरीथिंग एंड स्टे लाइक दैट फॉर टू आवर्स एंड देन वॉश इट ऑफ या फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि ये ज्यादा वैसा नहीं होगा तो आप इसको लगा के सो भी सकते हैं आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन माई फेस एंड आई एम स्लीप लाइक दिस ड्राई स्किन वालों को क्या करना है वेरी सिंपल आप लोगों को लेना है दो ड्रॉप्स ऑफ मलाई जी हाँ जो दूध के ऊपर जमी होती है वही वाली मलाई हम तो नहीं यूज कर सकते हमारे बस की नहीं है तो दो ड्रॉप्स मिल्क ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है दो ड्रॉप्स ऑफ प्रेफरेबली मलाई नहीं तो दूध टू ड्रॉप्स ऑफ हनी एंड थोड़ी सी हल्दी इसको अच्छे से ब्लेंड बना लीजिए और लेके अच्छे से अपनी स्किन पे गले पे लिप्स पे जी हाँ लिप्स पे अच्छे से आ, बहुत सारे लोगों ने लिखा है लिप्स के साइड में डार्कर है और इशू है वहाँ लगाइए अच्छे से बैठ के यू नो मसाज कीजिए साइड्स में लगाइए जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ लगाइए डार्क सर्कल्स वाले आराम से आँखों के नीचे आँखों के नीचे कभी भी जोर से मालिश नहीं करें यूज़ दीज फिंगर्स बिकॉज दी ज़्यादा इनमें सबसे कम जान होती है तो आराम से इस फिंगर का इस्तेमाल करके आह एंड देन एंजॉय सो ऑयली स्किन को यूज करना है लेमन हनी एंड टर्मरिक ड्राई स्किन को यूज करना है मलाई हनी एंड टर्मरिक या दूध हनी एंड टर्मरिक जो भी आप कंफर्टेबल हैं कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल स्किन हम कुछ भी कर सकते हैं जो आपका मन करे आप कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो आप वाइब्रेंस अभी मेरे चेहरे पर देख रहे हैं बिलीव मी इट इज ओनली सुबह एक बार जो मैंने ट्राई किया है रात वाला मैं अभी शूट करूंगी एंड आई एम गोना शो इट टू हियर कि मैं कैसे अप्लाई करती हूँ एंड बिलीव मी इट इज गोइंग टू गिव योर स्किन एक ऐसा पुश दैट यू वुड से कि अभी तक क्यों नहीं किया हमने ये बट बेटर लेट देन नेवर तो इसीलिए जल्दी से कर दीजिए आज डे थ्री की रेमेडी और जल्दी से मेरे साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैं भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो सकूँ दैट इट इज़ बेनिफिटिंग सो मैनी पीपल एंड इट कैन एग्जिबिट कि हाउ मच वी लाव इच अदर आप सभी के एफर्ट्स आप सभी का प्यार देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ मेरा लेवल ऑफ वर्किंग बहुत इंप्रोवाइज हो जाता है सो थैंक यू सो वेरी मच टू माय एंटायर फैमिली ओवर हियर थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड कल की रेमिडी के लिए हमें क्या चाहिए हमें फ्रूट्स चाहिए तो आज शॉपिंग करके अपने घर में सारे के सारे फ्रूट्स वगैरह अच्छे से फ्रूट चाट बनाना है हमें <laughs> तो अच्छे से रेडी करके रखिए आई एल सी ऑल टुमोरो विथ समथिंग एप्स सिल यूटली एस्टोनिशिंग फॉर योर स्किन डू शेयर योर रिजल्ट आई एम वेटिंग